भाजपा समर्थक मंच का एक कार्यक्रम बल्केश्वर आगरा में प्रेम कन्या जूनियर हाई स्कूल में भाजपा समर्थक मंच राष्ट्रीय संरक्षक और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सरस्वती माता पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बाद में राष्ट्रगान कर मिष्ठान का वितरण किया गया। इसमें भाजपा समर्थक मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, महिला मोर्चा राष्ट्रीय प्रभारी आरती शर्मा, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष राखी अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रेखा खंडेलवाल, भाजपा समर्थक मंच के जिला प्रभारी संजय गौड़, अजय तिवारी, ब्रजमोहन सिंह, शुभम अग्रवाल, चुनाव प्रभारी दीपक शर्मा, जिला मंत्री महिला मोर्चा पूजा ठाकुर, रजनी बत्रा, रोनी सिंह, पीयूष जैन, भाजपा समर्थक मंच के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान है, मैं भाजपा समर्थक का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर, ये जो आपने कार्यक्रम रखा है अभी, वो किस उपलक्ष्य में रखा हुआ है? आज का जो कार्यक्रम है, हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं विश्वास कैलाश सारंग जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने कार्यक्रम रखा हुआ। सर, इससे पहले भी आपने ऐसे कार्यक्रम किए हुए हैं? इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी काम करे हैं, गरीब बच्चों की हेल्प के लिए, उनके घर परिवार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कार्य करते हुए आए हैं, और आगे भी भाजपा समर्थक मंच के नेतृत्व में हम लोग ये गरीबों के लिए और बच्चों के लिए कार्यक्रम करते हैं। राखी अग्रवाल, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष, भाजपा समर्थक मंच। मैम, ये जो कार्यक्रम रखा हुआ है, ये स्पेशली महिलाओं से जुड़ा हुआ है या सभी के लिए बेनिफिट है इसके? ये कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल का है, जो कि हमारे भाजपा समर्थक मंच के संरक्षक माननीय कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी हैं। आज उनका जन्मदिवस है, तो ये पूरे राष्ट्र में, विभिन्न प्रदेशों में, हर जिलाओं में अपने अपने तरीके से आज ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो इसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, मैन बॉडी सब मिलकर एकजुट होकर आज इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। मैम, ये जो महिला मोर्चा है आपका, ये महिलाओं के लिए किस तरीके से काम करने वाला है आगे जाके भविष्य में? ये महिला मोर्चा जो है, सबसे पहले तो महिलाओं को एक संदेश देना चाहते हैं हम, कि जो महिलाएं घर से बाहर निकलने में कतराती हैं, डरती हैं, आज हम कहते हैं हर महिला को घर से बाहर निकलकर अपना एक चेहरा बनाना चाहिए, अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, और हम आने वाले दिनों में और अभी भी करते आई हैं महिलाओं के लिए तत्पर हम तैयार हैं, सदा उनके हर दुख में, हर सुख में हम उनके लिए सदा हैं। और मोदी जी के द्वारा चलाई गई जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कन्या विवाह के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो विभिन्न विभिन्न योजनाओं का लाभ हम हर उन गरीब महिलाओं के घर घर में पहुंचाना चाहते हैं जो इस लाभ से वंचित। थैंक यू।